बसमिल नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एज अ लॉट ऑफ इन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एज अ कॉम्प्लिकेशन इज एन एन स्टेज कॉम्प्लिकेशन सो हेर इट इज़ वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट लार्ज मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है एक बच्चे को एंड नाउ दैट केट इज प्रजेंटिंग विद थ्री मेन स्ट्रीम थिंग्स एक तो वो टकनिक है और टिक कार्डिक भी होगा वीजिंग एंड क्रैकल्स ऑन द लंग ऑस्कल्टेशन फाइन क्रैकल्स मतलब ये कि प्लूरल फ्यूजन उसे हुई है एंड दरे इज पैटर हो गई तीन चीज़ें हमारे सर कहते हैं एक के अगर वो तीन चीज़ें हों तो पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है गैलप्रिदम ये फाइन क्रैकल्स एंड टक्की उसके बाद रेस जी बी पी एनडीमाफीड एन एडिशनल फैक्टर दैट वी कैन से एक पर्सन जो है या चाइल्ड जो है जो भी है कंजेस्ट कार्डिक फेलियर में जा रहा है तो, तो वट वुड बी द क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने थ्री कार्डिनल फीचर्स बताएं आप एक कार्डियो मैगली का, का, है उसमें गैलाफ्रीदम आएगा ही आएगा टेकेिया है लेफ्ट के टेकि कार्डिया भी हो गया पैटो मैगलिया राइट साइडेड ये थ्री क्लिनिकल कार्डिनल फीचर्स लिखे हुए एडिशनल साइड में डिफिकल्टी फीडिंग डिसनियासनेस वीक पल्स इजी फिटिकबिली पेलर क्रैपटेशन प्लूरल क्रैपटेशन एजेशन टेकी कार्डिया गैलाप्रीदम स्वेटिंग निमोनिया और ग्रोथ फेलियर कार्डिक फेलियर में एक पर्सन जा रहा है तो उसका वेट तो बढ़ने नहीं वाला उसे खाने पीने की होश रहने नहीं, नहीं वाली लिपिटिंग एडिमा इन द सी एस एफ हाउ ड डू डायग्नोज चेस्ट एक्सरे यूल फाइन अ क्यूट पलमरी एडिमा कार्डिक इलाजमेंट इसी जी वेंटिकुलर हाइपोट्रॉफी इस यू विल सी स्कीमिक चेंजेस लो वोल्टेज क्यू आर एस मोरफोलॉजी इसी डी इज द बेस्ट मेथड टू वेलियो रिदम डिसऑर्डर है हार्ट फेलियर के तो ई सी जी ही करानी है एको भी कराएंगे टू एस द वेंट्रिकुलर फंक्शन बट ए बी इज भी लाजम कराने जैसे मैंने बताया हार्ट फेलियर में ए बी चीज करानी है. क्यों टू तो गेट टू नो के पर्सन की वेंटिलेशन पर फ्यूजन रेशो क्या है हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट और यह क्वेश्चन आया भी हुआ है पास पेपर्स में हाउ ड्यू मैनेज द पेशेंट विथ कन्जेस्टिटिक फेलेयर बेड रेस्ट और उसको प्रॉपर पोजिशन ट्वेंटी टू थर्टी डिग्रीज के बेट की ताकि विनर्स रिटर्न को रिड्यूस किया जाए उस पोजिशन में बिठाएंगे कम्प्लीट ऐसा चितनी लिटा देना फीट करवाएंगे क्यों क्योंकि वैसे कुछ खा पी नहीं रहा लेकिन उसे करवाना है फीड वाई बिकॉज वी हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज कैलोरी इंटेक तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है तो वी हैव टू फीड द पर्सन सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ताकि वॉटर वो रिटेन ना हो एंड वी हैव टू जो ही पेशेंट एडमिट होता है वी हैव टू रिकॉर्ड वाइटल साइंस आर्ली मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट रिकॉर्ड ऑक्सीजन थेरेपी फ्रूट रिस्ट्रिक्शन इन्फेक्शन अगर है तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करें मॉनिटर एंड मेंटेन नॉर्मल वैल्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन कैल्शियम फ़ॉस्फेट एंड पी एच पी एच पी एसी डोसिस नहीं होने देने अगर एसी डोसिस है तो उसको करेक्ट करना स्पेसिफिक मैय देर माइट भी नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज एंडबेटिक्स डायबेटिक्स कौन सा देते हैं फ्योसमाइट बट उसमें पोटेशियम भी उड़ जाता है तो वी प्रेफर गिविंग पोटेशियम स्पेरिंग अब हार्ट है हार्ट का मसला वी नीड अ कार्डियोजेनिक ड्रग तो डायजॉक्सिन लेकिन अगर डायटॉक्सिन ओवरलोड हो जाती है तो उसके लिए पोटेशियम क्लोराइड इन डेक्सट्रोज देंगे और वी वॉन्ट गिव डाइजॉक्सिन इन पेशेंट्स हु हैव रिजनल फेलियर अदर एनाट्रॉपिक ड्रग्स लाइक डॉपीन डोब्योटामीन वो दे सकते हैं वेजोडाटर्स लाइक कैप्टोप्रिल एंड नाइट्रोपेसाइड दे सकते हैं द लास्ट टॉपिक आई गेस दिस वन इज द लास्ट टॉपिक इनफेक्टोडाटिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट हैज कम अ लॉट ऑफ टाइम इन द इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से कई दफ़ा पहले रोमेटिक हार्ट फीवर भी होता है ठीक है अब एक पेशेंट आया नाइन इयर्स ओल्ड बॉय थ्री वीक हिस्ट्री है उसकी लो ग्रेड फीवर की नाइट स्वेट्स फटीक वेट लॉस माइल्ज या हेड एक ये तो उसके माइनर सिम्टम्स है जो होने होने अब इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हार्ट मर्मर है है और माइल स्क्रीनअमेंगे स्क्रीनअम होने के लिए इज वन ऑफ द क्लिनिकल साइंस जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में होती होती है सो दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो गुड इनफ सिनेरियो लेट मी लेट मी गेट अ गुड वन फ्रॉम हेयर I guess this one. हम्म, hmm. the high grade fever टाके for the last 10 days treatment from the local practitioner of uh, did treatment ली उसने so local uh, practitioner से उसने उसके symptoms को uh, ठीक uh, नहीं किया प्रीवियसली हार टुथ एक्सट्रैक्शन फोर डेज बिफोर दिस इलनेस मेडिकल रिकॉर्ड रिविल्स के टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद उसे फीवर और जॉइंट पेन भी हुई इसकी उसने दवाई प्रॉपरली नहीं ली उसे मंथली इंजेक्शन प्रिसक्राइब दिए नहीं ली अब वो फीवर के साथ आया पल्स वन एटी है हाईग्रेड फीवर क्लाबिंग पॉजिटिव फेन पाल पल्स सिस्टॉलिक ममर एज द एपिक्स इस तरह के और फिर भी बेहतर है जैसे यहाँ ऑस्लर नोट्स फिंगर टिप्स पर ऑस्लर नोट्स हैं लिवर पाल पेबर स्पिन पाल पेबर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हुआ है ये वन फोटी प्रव मिनट एंड हाईग्रेड फीवर सो दिस क्वेश्चन दे हिट टूवर्ड्स इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस, एक इन्फ्लेमेटेड डिसऑर्डर है किस चीज़ का सारी एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियल सर्फिस का एडियोलॉजी में अक्सर पूछ लेते हैं स्ट्रेप्ट विरिडेंस होगा अगर सब एक्यूट अटैक है मतलब पहले से वॉल्व खराब था फिर अटैक हुआ स्ट्रप्ट वेरेडियंस पहले से हार्ट का वॉल्व ठीक था फिर अटैक हुआ दैट मे बी ड्यू टू स्ट्रफ कोदर फंग और हे सैक भी अटैक कर सकते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट सिक्स क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर कहा जाए फटीक फीवर चिल्स नाइट स्वेट आर्थ्रेलजिया मेलेस माइलजिया चेस्ट पेन डिस्निया के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है स्प्लिटर नील बेट्स स्पलिटर हैमरेजेस क्लाबिंग पटिशिया स्प्रीनो मैगली टेकिकार्डिया हार्ट मोमर्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में और जो इंपॉर्टेंट है रॉट स्पॉट स्पॉटन हेमरेज क्लियर सेंटर्स होते हैं साइड पे हेमरेज हुआ होगा एंड सेंटर वुड बी क्लियर ठीक पेनलेस फ्लैट पेनलेस हेमरेजिक मैक्यूल्स जे एन यहाँ पे ऑन द हैंड्स एंड फीट्स यहाँ पे पाम्स पे और सोल्स पे ऑसलर नोट पीस सी पेनफुल ऑन द फिंगर्स पल्प में होते हैं ये हर बुशार्ट और हर्बिड नोट साइड्स पे होते हैं ना जॉइंट्स पे होते हैं ये पल्प पे होते हैं ये बुशार नीचे और हरबिडल ऊपर अच्छा मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटीरिया रिमेटोइड फीवर के लिए हम लोग uh, वो जॉन्स क्राइटेरिया डर जॉन्स यूज करते हैं यहाँ ड्यूक्स यूज़ करते हैं मेजर क्राइटेरिया तीन है पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाए ब्लड कल्चर किस तरह लेते हैं अब हम लोग चौबीस घंटे में तीन लेने होते हैं या एक घंटे में तीन लेने और इस तरह लेना है कि पहले उसको अच्छी तरीके से अल्कोहल से साफ़ किया अल्कोहल को ड्राई होने दिया स्पिर, स्पिरिड स्वैप से साफ किया उसको ड्राई होने दिया फिर इंजेक्शन से नीडल से वो ब्लड निकाला और जब ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालना है जो हम कलेक्शन के लिए डालते हैं उससे पहले भी नीडल चेंज करनी है नीडल उतारनी है और फिर दूसरी नीडल से उसमें डालना है क्यों ताकि क्योंकि स्किन में भी तो स्टैफ या स्टेप है वो ना आ जाए और उसे वो डायग्नोसिस चेंज ना हो जाए इस तरह ब्लड कल्चर ोकारडियोग्राफी करानी है अगर पॉजिटिव आ जाए बिकॉज ऑफ दैजिटेशन और न्यू वेलो रिगर्जिटेशन ऑन ऑस्कल्टेशन फील हो नॉट ऑन इको कार्डियोग्राफी तो इसका मतलब है मेजर क्राइटेरिया इज कम्प्लीट माइनर क्राइटेरिया यह सारी चीजें जो हम लोग ने यहाँ पढ़ी है इंक्लूडिंग ग्लोमेफ्राइट पॉजिटिव फैक्टर्स सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर भी हो माइनर है अब पता ये सारी चीज़ें हो कितनी चीज़ें हो तो हमें पता लगेगा कि हम इस चीज़ पे नतीजे पहुंचेंगे दर वी शुड डायग्नोज विद इनफेक्ट डेफिनेटली तो तब करना है वन वी है पैथोलॉजिकल एविडेंस इंट्रा कार्डिक या एम्बुलाइज इंट्रा कार्डियल एबसेस बनी है वेजिटेशन है और क्लिनिकली हम तब कर सकते हैं जब दो मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव आ जाए या एक मेजर और तीन माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव आ जाए या फिर मेजर को छोड़ के पाँच माइनर क्राइटीरिया पॉजिटिव आ जाए तो हम कह सकते हैं किसी इंडर इन्फेक्टिव है इसके अलावा ई एस आर रेड होगा लूकोसाइड कौन है नॉर्मल होगा मोस्ट प्रोबेबली रेज्ड होगा ग्लोमेलो ने है तो माइक्रोस्कोपिक हिमाचुर होगा ही होगा ब्लड कल्चर विल बी पॉजिटिव 24 फोर आवर्स में हम लोग ने थ्री लेने एको इट विल लोकलाइज वेजिटेशन हाउ वुड यू मैनेज हाउ वुड यू ट्रीट अगर तो इन्फेक्टिव एंडोकोस्को एंट्रीटेड छोड़ देते हैं इट इज़ फैल यू मे डाय तो इसे बहुत विगरसली ट्रीटमेंट देनी होती है आई एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर फोर टू तो सिक्स वीक्स वनजायल पेनिसिलिन देते हैं इफ़ यू हैव स्ट्रेप या फिर फिर सेप्टा अलॉन्ग विद जेंटा दे दें दूसरा ये कि अगर स्टाफ है वेंको एंड जेंटा अल इकट्ठे आपने देने फॉर सिक्स वीक्स फॉर स्टाफ और जो जो वेजिटेशंस बनी है न्यू वेलब्रेड वजिजिटन बनी है वो वॉल प्लेसमेंट करना है और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आएगा अगर कोई भी बंदा औरल सर्जरी की तरफ जा रहा है या फिर रेस्परेटरी प्रोसीजर की तरफ जा रहा है तो उसे औरल एमॉक्सिलन बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड बिफोर सर्जरी देनी चाहिए ठीक है मतलब आफ्टर द सर्जरी एंड बिफोर द सर्जरी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या, गे जा गे जा गे तो या अगर गैस टेस्ट आने जेंटो जी मैनिपुलेशन करनी चाहिए उसे अमॉक्सलिन या फिर पेरेंटल विद जेंटामाइसिन देनी चाहिए अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है फिर क्लिनि ना दे लेकिन दे। दें।, दें, दें जरूर वट कैम द कॉम्प्लिकेशन द मोस्ट वांटेड कंजेस्टिव कार्डिक फील मायोकार्डियल एबसाइज ऐसे बताया कि इसमें एंडोकार्डियल इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो मायरोकॉडियल एपसाइज हो सकती है पल्मोनरी पालमरीमुला एंड एनर्जिम फॉर्मेशन दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर के जैसे इन्फेक्टिव एंडस कैन लीड टू एन एम्बोलाइज तो एम्बोलाज से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है मैकोटिक्नोजम हो सकता है हॉट स्पॉट्स हैं स्किन पिटिशिया, आसलर नोट जिन वे लगे हालांकि यहाँ होते हैं एरोज आर रॉन्गली प्लेसड अब से अपलिनों में गली स्पलिनटर हेमरेज क्लोमैलोड्राइटस इन्फेक्ट एम्बोला इन्फेक्ट क्लॉथ्स एंड वेलर रिकर्जिटेश दिस इज़ आल अबाउट दिस चैप्टर जैकलहर